भोपाल में सेंट्रल जेल से भागे सिमी के 8 कैदियों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 30 अक्टूबर को जिस दिन कैदी जेल से भागे थे, उस दिन जेल की सुरक्षा में तैनात कुल जेल प्रहरियों में से आधे गार्ड जेल से बाहर तैनात थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाली राज्य की सबसे सुरक्षित जेल में 3,300 कैदियों के लिए कुल 107 कैदी, लेकिन 30 अक्टूबर को केवल 80 कैदियों की जेल में भागे। बाकी 80 कैदियों को मुख्यमंत्री, जेल मंत्री, पूर्व जेल मंत्री और डीजी के बंगलों में तैनात किया गया। जेल के रजिस्टर के मुताबिक 80 कैदियों में से 20 को जेल मुख्यालय, 10 मुख्य सचिव, 4 पूर्व जेल मंत्री और 4 की तैनाती जेल अधीक्षक के घर पर थी। इस मामले पर जेल मंत्री कुसुम महदले ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके पास सिर्फ 2 गार्ड हैं और आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हालांकि जेल के प्रहरियों के रजिस्टर में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि कौन सा प्रहरी किसके सर्विस में तैनात था। यह रिकॉर्ड मानवाधिकार आयोग ने भी मंगाया है। वह भोपाल एनकाउंटर में सीआईडी पहले से ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जेल से फरार होने और एनकाउंटर की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसके पांडे करेंगे। तो जेल के रजिस्टर से जो खुलासा हुआ है वो वाकई हैरान करने वाला है और सीधा सीधा बताता है कि पूरे मामले में लापरवाही हुई है। अगर उस रात जेल गार्ड जेल में ड्यूटी पर तैनात रहते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। देखते रहिए डीबी लाइव।